हाय सारा, कुछ समय पहले हमने सैफ से पूछा था कि सारा कभी डेब्यू करेंगी नहीं करेंगी, तो उनका कहना था कि अभी वो पढ़ाई वढ़ाई कर रही हैं, वो डेब्यू नहीं करेंगी। मैं 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो जब आपको ये प्रोजेक्ट आया, आपने क्या जिक्र किया अमृता जी से और सारा जी से? सैफ जी, पढ़ाई तो मैं थोड़ा माइक ऊपर, हाँ सॉरी, पढ़ाई तो मैं 2-3 साल पहले कर रही थी। मेरे फादर का कहना था कि आपको अपनी पढ़ाई ख़त्म करनी चाहिए यहाँ आने से पहले, अगर उसके बाद आपको फिल्मों का हिस्सा बनना है तो आप बनिए। और वो मतलब टोटली मेरे साथ थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप पढ़ाई करके आइए। और फिर जब केदारनाथ जैसी स्क्रिप्ट मुझे मिली और इस फिल्म का हिस्सा बनने का मतलब मौका मुझे मिला, तब दोनों मेरे माता पिता भी मतलब मेरा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन मुझे ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी लगी कि मैं किसी की नहीं सुनने वाली थी उसके बाद, मतलब दिल आ गया था। तो यही था। नहीं, हम कहना चाहेंगे आपकी हिंदी बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं आप। और इसमें एक फैक्ट मैं जोड़ना चाहता हूँ, इनकी 3 साल की जो ग्रेजुएशन की डिग्री थी वो इन्होंने 2 साल में या 4 के 3 में, 4 के 3 में इन्होंने कंप्लीट करी है। तो या तो इन्होंने अपना काम जल्दी खत्म करके इधर आई है एक्टिंग करने। अभिषेक, आप अभी कल मंदिर भी विजिट किए थे फिल्म के ट्रेलर से पहले, तो आप जरा उसके बारे में बताएं कि बाबुलनाथ टेम्पल आप गए हुए थे। इस बार ट्रेलर रिलीज होना एक बहुत बड़ी बात होती है, और जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ और जिस संघर्षों से गुजरा हूँ, तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और मैं कभी बाबुलनाथ मंदिर कभी गया नहीं था, बट बहुत अच्छा लगा वहाँ पे शिव के